इस टाउन का आप लोगों ने विजिट कर लिया है, इसका प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला है, इसके ऑनर से मेरी बात हो चुकी है। मैं चाहता हूँ आसिफ तुम इसको लीड करो, इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मिस तुबा से हेल्प ले सकते हैं। सर आप बेफिक्र हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को हमारे हाथ से नहीं जाने दूंगा। वेल डन आसिफ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलें आप दोनों इस पे काम करें, ऑफिस में मुलाकात होती है। सर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आसिफ बेटा तेरे साथ अच्छा मैं भी नहीं होने दूंगी, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आसिफ आपको बॉस ने बुलाया। जी मैडम मैं जाता हूँ। अब हो गया काम तमाम। हाँ भी आप दोनों ने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है और आसिफ आप रेडी हैं क्योंकि क्लाइंट्स बस आने वाले हैं। जी सर मैं पूरी तौर पर तैयार हूँ, आप बेफिक्र रहें। गुड, चलें आप लोग अपना काम करें, मैं उनको रिसीव करके आता हूँ। आए सर आए। हाँ आसिफ आप रेडी हो? जी सर मैं रेडी हूँ। तो हमारे पास एरिया है 5000 स्क्वायर फुट। हसन साहब ये क्या बदतमीजी है, आपने ये प्रेजेंटर रखा हुआ है हमारे करोड़ों के प्रोजेक्ट के लिए जिसे कपड़े पहनने की सेंस नहीं। जी सर क्या हुआ, ठीक तो है मेरे कपड़े, मैं रोज ऐसे ही तो ऑफिस आता हूँ। शट अप, एक लफ्ज और नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे कपड़े पीछे से फटे हैं और तुम यहाँ चले हो प्रेजेंटेशन देने। मुझे लगा था तुम्हें पोटेंशियल है लेकिन तुम्हें तो वर्क एथिक्स नहीं है। सर मेरा यकीन करें मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कैसे हुआ। तुम दूध पीते बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया। मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे नालायक लोग। सर अगर आप कहें तो मैं प्रेजेंट करूं। आपको तैयार है? जी सर। आए फिर आए जल्दी से। रुको आसिफ, सर ये कहीं नहीं जाएगा, ये बेकसूर है। फियाज ये क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। साहब सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था ना, आसिफ साहब अपना काम कर रहे थे तब मैंने देखा। ये बेचारा बेकसूर है, आप इसे काम से मत निकालें। क्या सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो मेरे सामने बनने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बेहतरी इसी में है, मुझे सच्चाई बता दो क्योंकि इस ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अगर मुझे वहां से पता चल गया तो मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगा अलग और पुलिस के हवाले करूंगा जो तुमने मेरा नुकसान किया है। जी सर ये सब मैंने किया है। तुमने ये सब क्यों किया, क्या वजह थी उसकी? सर इस ऑफिस में सीनियर मैं हूँ, आपने कल के बच्चे को प्रेफरेंस देकर प्रोजेक्ट उसको दे दिया जबकि इस पर हक मेरा बनता था। तो इसका मतलब तुम हसद करोगी, उसके साथ ऐसा सलूक करोगी? मत बोलो, जो दूसरों के लिए घड़क होते हैं ना गिरते खुद उसी में है। उसे मैंने प्रोजेक्ट इस वजह से दिया क्योंकि उसमें पोटेंशियल था, वो एक मेहनती लड़का है, और तुम्हें प्रोजेक्ट ना देने की वजह ये थी तुम लोगों से हसद करती हो। तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए था, मैं तुम्हारी इन हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें काम पे रखा हुआ था तुम्हारी मजबूरी को देखकर, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं तुम दूसरों की जड़ें काटोगी। इससे पहले कि तुम मेरा दूसरा रूप देखो बेहतरी तुम्हारी इसी में कि निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरे ऑफिस में नजर मत आना। आसिफ मुझे माफ कर देना यार, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें इतना बुरा भला कह दिया। खैर तुम एक अच्छे शख्स हो और मुझे उम्मीद है तुम मेरी कंपनी को बहुत अच्छे से चलाओगे, आज से तुम मेरी कंपनी को मैनेज करोगे। रुके जनाब, मेरे प्रोजेक्ट को किसने डील करना है, मैं इस लड़के की हार्ड वर्किंग एबिलिटी से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, आज से तुम ही मेरे प्रोजेक्ट को लीड करोगे। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप दोनों को कभी मायूस नहीं करूँगा। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फायदा नहीं, सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दिया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको सदका जारिया समझकर आगे जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।